करने या उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, ये सभी कार्य आप इसमें समाहित कर रहे हैं। अन्य कार्य भी है जो गोरखपुर के लोग भी हो सकते हैं, गोरखपुर को एक नई पहचान दिला सकते हैं, और ये पहचान इसलिए और ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ चलती है, उसकी ताकत हरेक व्यक्ति को है और उस स्पीड को कहीं, इसके लिए हम लोगों को प्राण प्राण से जुड़ करके, जैसे 2014 में, जैसे 2017 में, जैसे 2019 में, जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने तय किया था कि मोदी जी का नेतृत्व हो तो जनता जनार्दन ने आंखें बंद करके समर्थन किया। ऐसे ही 2024 में तीसरी बार भी फिर मोदी सरकार होगी, इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल स्पीड के साथ हम कार्य करते हुए लगे और विकास के बड़े बड़े कार्य कराएंगे, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे, बल्कि इसके माध्यम से उन ढेर सारी सुविधाओं को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हो या फिर किसानों के सम्मान का कार्य हो, ये सभी कार्य तभी संभव हो सकते हैं जब एक समान सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो, नगर निकायों में हो, जिला पंचायतों में हो, ब्लॉक स्तर पर हो, ग्राम पंचायतों में हो, योजना को सूत्री वहां तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती, और नहीं तो पक पक पर बैरियर का काम करते हैं लोग। बैरियर नहीं चाहिए हमें, उसको ब्रेक थ्रू चाहिए, आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला, और उस ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक है कि फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार केंद्र में बने, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए विकास की योजनाओं का लाभ अनवरत रूप से आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता रहेगा। इसी के बाद एक बार फिर से मैं गोरखपुर में आया हूं, मैंने भाइयों पूरा देश आप उत्साह और उमंग के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या धाम में आपने देखा होगा एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, 65 लाख श्रद्धालुओं ने, आप कितने लोग आपने से गए अयोध्या और लोग कितना जाने के इच्छुक हैं अयोध्या? दिक्कतें होती तब अन्य भारत में सरकारें
जातिवादी सरकारें ये तो न घर की है न घाट की है, क्योंकि जातिवाद के नाम पर केवल और केवल अपने परिवार का कार्य करते हैं। इन्होंने अपने परिवार का, परिवार में भी भाई का, भतीजे का, चाचा का, काका का, उसके अलावा बाहर नहीं, सबके जीवन के साथ लोग जुड़वाड़ करते रहे, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, बेटियों की सुरक्षा के साथ। आज आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार है तो श्रमिकों के बच्चों के लिए कलावा से विद्यालय बन रहा है। कभी जाइए सैजनवा में अटल आवासीय विद्यालय देख के आइए कैसे बनता है, कैसे कार्य हुआ है। अटल आवासीय विद्यालय मॉडल श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। एम्स गोरखपुर कितना बड़ा संस्थान बन गया है, बिहारी मेडिकल कॉलेज आधुनिक रूप में आ गया है, और ऐसे ही आयुष विश्वविद्यालय भी गोरखपुर में बन गया है। नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध हो रही है, यानी तकनीकी जिससे डिजिटली हमारा युवा सक्षम बन सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका लाभ न केवल हमारा युवा देगा बल्कि हमारा प्रदेश भी देगा और हमारा देश भी देगा। आज बहनों भाइयों इसी दृष्टि हम सब इसी अभियान के साथ जुड़ करके आपके पास आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं गोरखपुर वासियों को इतनी ढेर सारी जो परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं में बाढ़ से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से राप्ती नदी के तट से तटबंध से की सुरक्षा से जुड़े हुई जो परियोजनाएं हैं, इनमें छितरी थुन्नी तटबंध का है, नरसरी बिंग बांध का है, गोरखपुर में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के गोरखपुर के आवासीय आवासीय भवन के शिलान्यास का है, झगड़ा में एक चौकी का है, एयरफोर्स के पास एमईएस ऑफिस का है, क्योंकि गोरखपुर का एयरपोर्ट की सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होना है और इसलिए उनके कुछ भवनों को हमें निर्माण कार्य करके दूसरी तरफ से करना है, जिससे एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट गोरखपुर को और मिल सके। इसके लिए भी हम लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च स्वीकृत कर दिया है। नकाजन जंगल नका से रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित हवा पाटक संपार पाटक जो संपार पाटक है वहां पे फोर लेन का एक फ्लाईओवर है। बरगदमा कवाबाग जेल बाईपास पर इसमें पादरी बाजार के पास भी फोर लेन का एक फ्लाईओवर है। कौड़ीवान मजपुर मार्ग का चौड़ीकरण का